नमस्कार, मेरा नाम है अमर कुमार, आप देख रहे हैं मेरा मीडिया। तेतुल तल्ला मैदान में खड़ा हूँ मैं, और मेरे ठीक पीछे मंच सज चुका है। ये जो मंच है ये इंडियन रेलवे एम्प्लॉयड फेडरेशन की तरफ से सजाया गया, क्योंकि जो इंडियन रेलवे के जितने भी इम्प्लॉयज हैं वो पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए यहाँ पे आज आंदोलन करेंगे, बातें होंगी। और तृतीय तीसरा महाधिवेशन है और न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में रखा गया ये, साथ ही जो रेलवे का उसके विरोध में रखा गया। तो जो IREF यानी इंडियन रेलवे एम्प्लॉयड फेडरेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं कि ये दो दिवसीय तृतीय महाधिवेशन है क्या है, क्या क्या बातें होंगी इस मंच पे, सारा चीज जानेंगे। तो जरा जुड़ते हैं, तो जुड़ते हैं सीधा IREF के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे, और जानते हैं ये जो दो दिवसीय यहाँ पे आंदोलन होने वाला न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए, और जो अन्य मुद्दे सभी पे बात करेंगे। सर क्या नाम हो आपका? मनोज पांडे। बताएं सर ये क्या है दो दिन का? इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन का दो दिवसीय तृतीय महाधिवेशन है। इस महा अधिवेशन के पहले दिन पहले सत्र में जो है ये ओपन सत्र होता है। ओपन सत्र में हम आम जनता के बीच में आज न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में और निजीकरण के विरोध में हम बात करेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन और फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे के द्वारा भविष्य में NPS को लेकर के, NPS हटा करके पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए और निजीकरण को रोकने के लिए हम किस तरह का आंदोलन करेंगे, इसकी दिशा और दशा आज के दिन तय होगी। कल आज हमारा शाम को हमारा महाधिवेशन का जो है सम्मेलन, महाधिवेशन का सत्र चालू होगा, जिसमें आज हम महामंत्री की रिपोर्ट पेश होगी और उस पर चर्चा होगी। और कल 12 तारीख को इंडियन रेलवे एम्प्लॉयड फेडरेशन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव होगा। अच्छा सर, ये जो जैसे आपने बोला ओपन है, तो क्या सब आएंगे और मंच पे बताएंगे क्या क्या है सभी को, कि न्यू पेंशन स्कीम के घाटे और ओल्ड पेंशन स्कीम फायदे, साथ ही साथ इसके जो निजीकरण है इसके विरोध में बातें होंगी पूरा मंच? जी जी, आज जो है फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमरीक सिंह जी और महामंत्री राजेंद्र जी हैं, साथ ही साथ NMOPS का पूरे देश में अलग जगाने वाले विजय बंधु जी आज इस मंच पे आ रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो है सरदार सरजीत जी वो मौजूद रहेंगे। हम NPS और निजीकरण पे दोनों पे बात करेंगे, क्योंकि जब रेल रहेगा तभी पेंशन की बात होगी। सरकार रेल को बंद कर देना चाहती है, रेल को निजी हाथों में सौंप देना चाहती है। जब रेल ही निजी हाथों में चली जाएगी, सरकारी संपत्ति ही निजी उस हाथों में चली जाएगी, तब पेंशन की तो बात ही नहीं रह जाएगी। तो हम रेल भी बचाएंगे और पुरानी पेंशन भी लागू करेंगे, और निश्चित तौर पर हमारे ही आंदोलन का दम है और हमारे ही आंदोलन से डर करके आज प्रदेश की कई सरकारों ने पुरानी पेंशन लागू कर दी है। हिमाचल प्रदेश अभी कांग्रेस की सरकार आई है और पुरानी पेंशन का वादा करके आई है, और निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन हिमाचल प्रदेश में भी लागू होगी। जब देश के कई प्रदेशों में पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी तो 2024 से पहले हमारे आंदोलन से डर के, हमारे कर्मचारियों की हुंकार को देखते हुए ये जो निकम्मी सरकार है, जो कर्मचारी विरोधी सरकार है, वो निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन को लागू करेगी। इसके लिए हम उन्हें मजबूर करेंगे, इसके लिए चाहे हमें रेल का चक्का भी जाम करना पड़ेगा तो हम करेंगे, अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ेगी तो गंवाएंगे, लेकिन रेल में और पूरे केंद्रीय कर्मचारियों के बीच में पुरानी पेंशन लागू करेंगे। सर कहाँ कहाँ से आए हुए, जैसे ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के आए हुए, कौन कौन जोन से आए हुए? इस देश के जितने रेलवे के जोन हैं पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर रेलवे जोन से लोग आए हुए हैं। प्रोटेक्शन यूनिटें जहाँ हमारी यूनियन बहुत मजबूत स्थिति में है वहाँ से लोग आए हुए हैं, चाहे जो जोन की बात है, चाहे NCR हो, WCR हो, NR हो, या भुवनेश्वर से जो है, हर जगह से, देश के कोने कोने से, कपूरथला जो प्रोटेक्शन यूनिट जहां हम जीते हुए हैं, BMW पटियाला से, DLW बनारस से, पूरे देश से लोग आए हुए हैं। और अभी आप देखिएगा कर्मचारियों का समागम, एक हुंकार भरा समागम होगा। आज हम दिशा और दशा पुनः बता रहे हैं आपसे कि आज तय करके जाएंगे और आज के बाद हमारा आंदोलन और भी उग्र और क्रांतिकारी होगा।
तो रेल बचाओ देश बचाओ, जैसा कि आप यहाँ के पोस्टर में भी देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसके लिए आज ये अधिवेशन है यहाँ पे और सभी लोग आ रहे, धीरे धीरे जुटेंगे और बातें होंगी और रेल को बचाया जाएगा, देश को बचाया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है ये, अच्छा खासा कह सकते हैं कि आबादी को ये जॉब देता। तो सरकारी नौकरी का ख्वाब देखने वाले लोगों के लिए रेलवे एक बड़ा विभाग है जहाँ अच्छा खासा नौकरी मिलता है लोगों को। हर साल हजारों में वैकेंसीज निकलते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी संख्या होती है, उसका निजीकरण हो जाना वाकई में जो अभी काम करे कर्मचारी उन पर तो खतरा है ही, क्योंकि उनका स्कीम बदला जा रहा, प्राइवेटाइजेशन हो रहा। साथ ही जो भविष्य में लोग जुड़ना चाह रहे हैं इस हमारे सेक्टर के साथ, जो पब्लिक सेक्टर है सबसे बड़ा हमारा सरकारी जो विभाग है रेलवे, उसके लिए भी खतरा, तो उसके लिए भी बात करेंगे, सभी पर बात होंगी और इस अधिवेशन को सफलतापूर्वक खत्म किया जाएगा। ऐसे ही खबरों को देखते रहिए मिरर मीडिया, मेरे सहयोगी अमित के साथ मैं अमर कुमार, धन्यवाद।